कल हमारे जो DST के जो इंचार्ज हैं लाखन और एक सिपाही हैं दिलीप, उनको अपने सोर्स से पता पड़ा कि धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो IPL पे सट्टा लगा रहा है और एक दूसरे नंबरों में भी सट्टा का काम करता है। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए SHO निहालगंज को सूचना दी और उसने यहाँ विधिवत रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से वारंट जारी करवा के और धर्मेंद्र के घर के सर्च लिए। घर के सर्च के अंदर मौके पर ही धर्मेंद्र खुद और नरेंद्र और रोहित, ये तीनों लैपटॉप के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर और विभिन्न फोन्स, खूब सारे फोन हैं और डोंगल्स हैं और एक लाइन एक लगी हुई थी टारगेट जो IPL के ऊपर सट्टा खिला रही थी, वो कार्य करते हुए इनको गिरफ्तार किया और मौके के ऊपर ही इनके पजेशन से 10,54,000 रुपये भी जो सट्टे के रुपए थे वो भी बरामद किए। इतनी बड़ी अमाउंट मैं समझता हूँ कि धौलपुर पुलिस के इतिहास में सबसे पहले रिकवरी है और उसके जो हिसाब किताब मिले हैं उनके जो डायरी और कंप्यूटर्स के अंदर वो भी करीब करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है सट्टे का वो भी बरामद किया है। इनके जो दूसरे अकाउंट्स हैं फ़ोनपे और वो उनकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं, उसके अंदर भी करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हैं, उनके भी हम कार्रवाई करेंगे। ये कब से कार्रवाई कर रहा है इस संबंध में और ये आगे किस पार्टी से कौन सी बुकी से जुड़ा हुआ है इस संबंध में भी तफ्तीश जारी है। सर क्या क्या उपकरण बरामद किए गए हैं आरोपियों से? एक लैपटॉप है, 5-6 मोबाइल्स हैं, डोंगल्स हैं, ये सारी चीज़ें और एक लाइनेक्स की लाइन है उसका फ़ोन जो है वो पूरा जब्त किया है। एक रजिस्टर है उसके अंदर भी जो पूरे और हिसाब की पर्ची हैं वो भी बरामद किए हैं, उसके ऊपर आगे कहां से हो रही है उसके आगे तफ्तीश कर रहे हैं। कौन से मोहल्ले में कार्रवाई की सर? धौलपुर में एक शास्त्री नगर करके कॉलोनी है वहाँ पर।